नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले की एक ऐसी महिला सांसद जो दो पंचवर्षीय से सीधी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद हैं। सांसद जो कि लोकसभा का सदस्य और जिले का मुखिया होता है और एक काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है मध्य प्रदेश के सीधी जिले की सांसद रीति पाठक के बारे में। सुंदर, सुशील, सरल, संस्कारी नारी होने के साथ साथ रीति पाठक अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय एवं जन जन तक पहुंची हुई मिलनसार सांसद हैं। सरल इतनी है कि एक घरेलू नॉर्मल महिला जैसी, जैसे अपने गांव घरों की महिलाएं होती हैं, उस तरीके से उनके अंदर सरलता भरी हुई है। अपने क्षेत्र की मर्यादा संस्कृति को उजागर करती है महिला सांसद। बहुत ही मिलनसार एवं हर किसी के सुख दुख में काम आने वाली सांसद हैं। क्षेत्र में, जिले में जब भी किसी को उनकी जरूरत होती है या किसी को कोई समस्या होती है, वो वहां पर हमेशा ही तत्पर रहती हैं, उपस्थित रहती हैं और हर किसी से वो इतने अच्छे ढंग से मिलती हैं, कोई भी नॉर्मल आदमी उनसे मिल सकता है। चाहे गांव गरीब, किसी किसान के यहाँ, पिछड़े आदमी के यहाँ भी वो वहां पर पहुंच जाती हैं, अगर उनको पता पड़ता है, पता चलता है, और वहां की आम महिलाओं में वो घुल मिल जाती हैं। दोस्तों, रीति पाठक न केवल अपने लोकसभा क्षेत्र सीधी ही बल्कि संसद भवन के अंदर भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्नशील रहती हैं। अपने लोकसभा क्षेत्र सीधी के लिए भिन्न भिन्न मंत्रियों से वो चर्चा करती रहती हैं। यहाँ रीति पाठक जी उपस्थित हैं। मेरे कार्यकाल में एक रोड के बारे में मुझे बड़ा दुख है कि जो सिंधी सिंगरौली, इसके लिए बार बार बहुत मीटिंगें हुई। मेरे आज तक के मंत्री पद के कार्यकाल में सबसे ज्यादा मीटिंग अगर कोई प्रोजेक्ट के लिए तो यही प्रोजेक्ट है। पर चार दिन पहले घोषणा मैं कर रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। रीति पाठक जी और राजेंद्र शुक्ला जी रीवी सीधी मार्ग चार लेन बनाने की मांग को अनेक दिनों से मेरे पीछे पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने लगातार दो बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को भारी मतों से परास्त किया है। 2014 के चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेता इंद्रजीत को लगभग 1 लाख से अधिक वोटों से पराजित किया था। दूसरी बार सन 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज उम्मीदवार और क्षेत्र के जाने माने अजय सिंह राहुल भैया को लगभग 3.25 लाख वोटों से हराया था। रीति पाठक का राजनीतिक करियर जिला पंचायत अध्यक्ष से शुरू हुआ था। रीति पाठक का जन्म 1 जुलाई 1977 को सिंगरौली जिले के ग्राम खटखरी में पांडे परिवार में हुआ था और उन्होंने रीवा से अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन किया, लॉ किया, मास्टर डिग्री हासिल किया। वर्ष 1997 में उनका विवाह हुआ रजनीश पाठक के साथ में। आपको बता दूं, इससे पहले जब उनका करियर शुरू हुआ था 2010 से 2014 तक रीति पाठक सीधी जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं। इन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज, सदस्य महिला सशक्तिकरण समिति में रही हैं, ये सदस्य लोकसभा समिति में। रीति पाठक को ग्रामीण विकास कार्यों में काफी रुचि, इंटरेस्ट रहता है और कई बड़े काम भी इन्होंने करवाए हैं, जैसे कि सीधी स्मार्ट जो बस स्टैंड है, रीवा सीधी रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट, रीवा सीधी टनल, कई छोटे छोटे स्टेशनों में ना ट्रेन का स्टॉपेज भी करवाया है बात करके। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी प्रोग्रेस में हैं, चल रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम जो पूरे देश के एक अद्भुत टनल के लोकार्पण का कार्यक्रम है और जिसका मुख्य बिंदु, जिसके मुख्य कारक हमारे देश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी हैं, आज उनके आतिथ्य में इस टनल को लोकार्पित किया जा रहा है। रीति पाठक हमेशा अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करती रहती हैं। वो हर किसी से घुल मिलकर अच्छे ढंग से बातें करती हैं। उनके अंदर तनिक भी ये घमंड नहीं है, उनके अंदर ये प्राउड नहीं है कि मैं बड़ी सांसद हूँ और मतलब नॉर्मल लोगों से ऐसे नहीं मिलूंगी। बहुत ही व्यवहारिक है वो। आप कोई भी अपने क्षेत्र का नागरिक हो, कोई भी नॉर्मल सा इंसान हो, उनसे आसानी से मिल सकता है, बातें कर सकता है और कभी भी उनसे अपनी समस्या को सामने रख सकता है, चाहे दिल्ली हो, चाहे सीधी हो, कहीं भी आप उनसे आराम से मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपनी समस्या को रख सकते हैं। भले ही वो आपकी समस्या को उतने हद तक ना सुलझा पाएं जितनी उनकी पहुंच है वहां तक ही, लेकिन वो
आश्वासन जरूर देती हैं कि आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा, निराकरण करवाएंगी वो। क्षेत्र से संबंध रखती हैं, उनकी चिंताओं को मुक्त करने के लिए ऐसी योजनाओं को बनाने वाले। सबसे बड़ी बात है रीति पाठक के अंदर संस्कार, अपनी संस्कृति, अपना समाज को लेके बहुत ही अच्छे संस्कार हैं। विंध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए एक मिसाल है, क्योंकि चाहे वो लोकसभा हो, चाहे नॉर्मल कहीं भी वो फंक्शन पार्टी हो या आम मीटिंग्स में उनको आप देखते होंगे, हमेशा ही वो अपनी भारतीय संस्कृति, मध्य प्रदेश की संस्कृति, रीवा विंध्य प्रदेश की संस्कृति को अपनाए रहती हैं। साड़ी पहनकर हमेशा उनके सिर पे आप पल्लू देखेंगे। मर्यादित संस्कारी होने के साथ साथ रीति पाठक अपने भाषण में, अपने बोलचाल में भी काफ़ी अच्छी हैं। उनके भाषण, उनका जो संसद भवन में कई बार उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, काफी अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छा बोलती हैं। पानी जितने आसानी से हम सबको उपलब्ध होगा, उतना ही कठिन है उस पानी के एक एक बूंद को बचाना। हमको जितने आवश्यकता उस पानी को प्राप्त करने के लिए है, उतनी ही कहीं ज्यादा आवश्यकता है भविष्य हेतु उस पानी को संरक्षित करने के लिए। और इसलिए इस जीवनदायिनी जल का संरक्षण हम करें, क्योंकि हम अगर सम्मान करेंगे किसी भी वस्तु का, किसी भी विषय का, तो उस विषय और वस्तु के माध्यम से सदैव हमारा सम्मान होगा। एक तो काफी पढ़ी हुई महिला हैं, दूसरा एक अच्छे समाज से आती हैं, और तीसरी बात उनके अंदर उन्होंने अपना संस्कार, अपनी मर्यादा कभी छोड़ा नहीं है। इस वजह से रीति पाठक को अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपने कल्चर की वजह से उनको पूरा विंध्य प्रदेश, पूरा सीधी जिला काफी ही अच्छा सम्मान देता है, काफी पसंद करता है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, जब भी इलेक्शन हुए हैं तो जो भी प्रत्याशी होते हैं तो काफी चुनाव प्रचार करते हैं। अब करना भी चाहिए अपने लिए चुनाव प्रचार, कौन नहीं करता है, लेकिन रीति पाठक एक नॉर्मल सा घर घर जाके हर किसी से मिलते हुए उन्होंने, मतलब कभी ऐसा नहीं है कि अब चुनाव जीत गई है तो आके दिल्ली में बैठ जाएं। दिल्ली में उनका निवास है, उनको मिला हुआ है सरकारी बंगला मिला हुआ है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कि यहीं रहे, वो अपना ज़्यादातर समय ग्रामीण विकास कार्यों में देती हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में रहती हैं, जन जन की समस्याएं सुनती हैं, हर किसी के सुख दुख में वो भाग लेती हैं हिस्सा, छोटी छोटी खुशियों में भी वो पहुंच जाती हैं और दुख में तो पहुंचती। महिलाओं के लिए पॉलिटिक्स बड़ा ट्रैप है, लेकिन उसमें ना फंसकर अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी संस्कृति को भी अपनाए रहना कितनी बड़ी बात है। महिला सांसद होने के साथ साथ उन्होंने अपना कल्चर, अपना समाज, अपना परिवार, हर किसी को ट्रेन किया उसको, और आज वो एक सफल महिला सांसद हैं। तो गाइज अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी ही बड़ी शख्सियत जो कि विंध्य प्रदेश की है और उनके बारे में पूरी जानकारी। तो ये था रीति पाठक के बारे में जो मेरे पास थोड़ी बहुत सी जानकारी थी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा हो, और चैनल फाइंडोस को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।